जोहार, अभी मैं मौजूद हूँ पलामू जिला के चेड़ाबार गांव में, जहाँ पर टीपी सिंह नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बागवानी लगाया है। आज मैं उनके बागवानी में रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ, पूरे पब्लिक को दिखाने के लिए आया हूँ, पलामू के पब्लिक को दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, काफ़ी आम यहाँ पर फल लगा हुआ है। मैं यहाँ की जो पौधा लगाए हैं टीपी सिंह जी, उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कब यहाँ पर आपने आम की बागवानी लगाया और कितना कठिनाइयाँ हुई आपको इस बागवानी को बचाने में, क्या परिश्रम करना पड़ा, मैं जानने का प्रयास करूँगा। आप सभी के बीच सारे वीडियो साझा करते रहूँगा, सभी यहाँ की समस्या को मैं आप सभी के बीच अवगत कराने का प्रयास करूँगा। कैमरा मैन से मैं चाहूँगा आप हमारे इस बागवानी को दिखाइए, ताकि ये पलामू जिला ही नहीं पूरे झारखंड के पब्लिक देख करके जान सके, सीख सके ये कृषि में भी एक बागवानी के काम भी है, जो उस बागवानी करने से लाखों की इनकम किया जा सकता है और बागवानी लगाने से धीरे धीरे इसका बढ़ोतरी होता है, कम नहीं होता है। आप सभी देख पा रहे हैं आम कितने सुंदर फला है। एक बच्चा भी है जो आम को छू करके दिखा रहा है। मैं यहाँ के टीपी सिंह से जानने का प्रयास करूँगा, सर ये बागवानी आपने लगाया है, ये बागवानी कब लगाए थे? 2012 में शुरुआत हुआ था। अच्छा, 2012 में शुरुआत हुआ था, तो क्या परेशानियाँ हुई आप इतने लंबे चौड़े जमीन में बागवानी लगवाए, आम भी अच्छा खासा फला है, तो क्या परेशानी हुई थी पहली बार जो आम की बागवानी आपने लगा रहा था? असल जो परेशानी जो है ना, वो इंसान का सोच होता है। हमें कोई परेशानी नहीं लगा कि कोई परेशानी भी है। अगर आदमी का इच्छा शक्ति जब रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपने ये बागवानी लगाया, तो कहाँ से आपका मन में विचार आया जो आपने इतने काफ़ी लंबा चौड़ा जमीन में आपने आम की बागवानी लगाया, कैसे आपने सोचा जो हम आम की बागवानी लगाएंगे, आम की खेती करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ये विचार कहाँ से आया आपको? असल ये आदिवासी का जो है विरासत में मिला हुआ है ना, जल जंगल जमीन का रक्षा करना, तो ये कहीं से विचार क्या आना है, हमारे पूर्वजों की है, आज भी करना है। कहीं न कहीं अपने इतिहास को देखते हुए, अपने इतिहास के पूर्वज को बरकरार रखने के लिए हमेशा इन्होंने मेहनत करते रहे हैं और अभी मेहनत करके पब्लिक के बीच दिखा चुके हैं। और ये आम जो फला है, तो कितना के आम बेच लेते हैं अभी, जो पिछले बार से आम आपको कई बार से लोगों ने लगातार वीडियो साझा कर रहा था, प्रिंट मीडिया भी, ये सोशल मीडिया भी वीडियो साझा कर रहा था, कितना की इनकम कर लेते हैं पिछले कई वर्षों से? देखिए, शुरुआत में 3-4 लाख होता था, 10-12 लाख रुपये का आराम से इनकम है। आप देख पा रहे हैं एक किसान ने एक बड़ी सोच रख करके मेहनत किया, संघर्ष किया और 2-3 लाख रुपया से आम बेचने के लिए शुरू किया और आज 10 लाख रुपया के ये इन्होंने आम बेचने के काम करते हैं। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा, ये जो दृश्य है, सुंदरता दृश्य है, ये आम का जो फल है, इस फल को दिखाइए ताकि पब्लिक उत्साहित होकर अपने ये क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जमीन में ये आम का पौधा लगाए और फल उपजाए, छाया भी पाए और किसान की दुनिया में आगे बढ़े, आर्थिक स्थिति मजबूत करें, अपने बाल बच्चों को आर्थिक स्थिति मजबूत करके अच्छा खासा शिक्षा देने के काम करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी आम की बागवानी है, कितने पेड़ लगाए हैं सर? 400 से ऊपर है। 400 से ऊपर है आम का पेड़? हाँ, 400 से ऊपर आम के पेड़। और क्या क्या चीज़ के पेड़ लगाए हैं? लगभग 50 कटहल भी है। 50 कटहल भी है, तो कटहल फर रहा है? अब ये 4-5 साल है ना, शुरुआत करेगा, अब शुरुआत करेगा। तो और क्या चीज के पौधे लगाए भी है? मौसमी भी है, लिम्बू भी है। लिम्बू देख लीजिए कि एक लिम्बू हमको लगता है कि 2000 फर है, तो 2000 गुने अगर आज 15 रुपये जोड़ा बिक रहा है, अगर हम 5 रुपये ही जोड़ते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा? 10,000। यानी कि एक लिम्बू से एक किसान का 10,000 सालाना आय हो सकता है, एकदम बिक देने पर, मार्केट का मतलब कि कोई रेट नहीं, कचरा के भाव में है ना। संतरा भी है, सभी प्रकार के फल लगाए हैं, संतरा भी है,
इन्होंने अपना जो धरातल में जो सबसे सस्ता में बिकता है फल, नींबू सबसे सस्ता में बिकता है, उसके क्या कहा जाए जो जो कूड़े के भाव में लोग बेचते हैं, उन्हें भी दिखाने के हमेशा प्रयास कर रहे हैं जो सबसे नीचे पौधान में जो रेट है उसमें से एक पेड़ में से आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं। कहाँ पर है वो जो नींबू की गाछ लगाएंगे? हाँ, आप कभी देख पा रहे हैं आम कितना अच्छा फला है, बहुत बड़ा बड़ा आम है और ये अभी बढ़ने के लिए शुरू हुआ है, आप सभी देख पा रहे हैं। ये है नींबू, आप देख पा रहे हैं, ये टीपी जी दिखा रहे हैं नींबू। ये नींबू में कम से कम 10,000 रुपया का इनकम सालाना होता है। एक नींबू जब 10,000 रुपया देगा तो आप 100 नींबू लगाएंगे तो आप अपने से जोड़ सकते हैं कितना आपको इनकम हो सकता है। काफ़ी दूर में ये ज़मीन में ये प्लांटेशन किए हैं। ये प्रेरणा जो आया या पूर्वजों का याद में आपने यहाँ पर प्लांटेशन किया, इस पलामू क्षेत्र की किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज जो खास करके पलामू जो क्षेत्र है ना, पहाड़ क्षेत्र है ना, और यहाँ के लोगों को हमने कई बार कहा है कि एक एकड़ में क्या आपको मिल जाता है, एक एकड़ में बागवानी करके देखिए, नींबू लगा दीजिए, संतरा लगा दीजिए, आम लगा दीजिए, कटहल लगा दीजिए, है ना, हमने कई बार लोगों को कहा है, हम संदेश भी देते रहते हैं कि आम को स्वयं कीजिए, देखिए बेनिफिट है ना। तो इसके लिए किसान कितना साल कई साल